चिंकू और टिंकू दो दोस्त गांव से वापस अपने घर की ओर जा रहे थे, जहां रास्ते में एक जंगल पड़ता है। यार टिंकू, हम दोनों तो बारिश के चलते फंस गए हैं। हाँ चिंकू, लगता है आज की रात हमें जंगल में ही बिताना होगा। चिंकू को एक गुफा दिखाई पड़ती है। टिंकू, वहाँ गुफा है, चलो वहीं आराम करेंगे। बारिश से बचने के लिए दोनों गुफा में जाने लगता है। टिंकू, वहाँ देखो, वहाँ शायद किसी की मूर्ति है। हाँ चिंकू, चलो सामने से देखते हैं। दोनों मूर्ति के पास जाने लगते हैं। अरे वाह, ये तो पत्थर की मूर्ति है, मैं इसे अपने साथ में ले जाऊंगा। जैसे ही टिंकू मूर्ति को छूता है, तभी डरावनी आवाजें आने लगती है और मूर्ति से जोरदार रोशनी निकलती है। अरे टिंकू, ये लाइट अचानक कहाँ से आ रही है? अरे ये रोशनी तो उस मूर्ति से आ रही है। चिंकू और टिंकू बात कर ही रहे थे, तभी उसके सामने ही वह मूर्ति जीवित हो जाता है। ये तो कोई पिशाच लगता है, भागो यहाँ से चिंकू। दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन पिशाच उसे जाने नहीं देता है। तुम कौन हो और क्या चाहते हो हम दोनों से? मैं खूनी पिशाच हूँ और मुझे तुम दोनों का खून चाहिए। पिशाच और भी खून पीने के लिए शहर की तरफ जाने लगता है। वो आ गया है, खूनी पिशाच किसी को नहीं छोड़ेगा। मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो सब तबाह हो जाएगा। कौन आ गया इतनी सुबह में? गुप्ता जी उठकर अपने घर का दरवाजा खोलता है और बाबा को देखकर चौंक जाता है। बाबा, आप इतनी सुबह मेरे घर आए और आपको ये क्या हो गया है? मैं सब बताता हूँ गुप्ता जी, पहले घर के अंदर चलो। गुप्ता जी बाबा को घर में ले जाता है और जानने की कोशिश करता है कि आखिर बाबा को चोट कैसे लगी है। गुप्ता जी, मेरा यह हाल खूनी पिशाच ने किया है। क्या, खूनी पिशाच? ये कौन है बाबा? खूनी पिशाच एक भयंकर दैत्य है, उसका काम इंसानों को मारकर उसका खून पीना है। बाबा एक एक करके सभी बातें बताते हैं, आखिर खूनी पिशाच कैसे आया है। तो उसे कैसे मारेंगे बाबा? उसे मारा नहीं जा सकता है गुप्ता जी। क्या, तब तो वह सब कुछ तबाह कर देगा। हाँ, लेकिन एक उपाय है जिससे उसे रोका जा सकता है। क्या उपाय है बाबा? मुझे तप करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आज रात तक का समय चाहिए, इसलिए तुम उस खूनी पिशाच का ध्यान अपनी ओर खींचो। ठीक है बाबा, आज रात तक उसका ध्यान अपनी ओर खींचता हूँ। बाबा तप की तैयारी करने के लिए अपने आश्रम जाने लगते हैं। मुझे मिश्रा जी को बुलाना चाहिए। गुप्ता जी मिश्रा जी को फोन करके अपने घर आने को कहता है। मिश्रा जी तुरंत गुप्ता जी के घर जाने लगता है। रास्ते में चलते चलते मिश्रा जी को एक मरा हुआ इंसान दिखाई पड़ता है। अरे इसकी मौत तो बहुत ही भयावह हुई है, लेकिन कैसे हुई होगी? मिश्रा जी ये सब सोच ही रहा था, तभी कुछ लोग चिल्लाते हुए मिश्रा जी के तरफ आ रहे होते हैं। भागो भागो, अपनी जान बचाओ, खूनी पिशाच आ गया है, भागो भागो। अरे ओ भाई रुको, बात क्या है मुझे बताओ? खूनी पिशाच आ गया है, अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो भागो, नहीं तो वो तुम्हारा खून पी जाएगा और तुम्हें मार देगा। मिश्रा जी यह सुनकर डर जाता है और वह वहाँ से भागने की सोचता है, लेकिन तभी वहाँ खूनी पिशाच आ जाता है।
मिश्रा जी वहीं छिपकर सब कुछ देखता है कि खूनी पिशाच कई लोगों को मारकर उसका खून पी रहा है। मुझे ये सब गुप्ता जी को बताना चाहिए। मिश्रा जी जैसे ही वहाँ से निकलता है तभी खूनी पिशाच मिश्रा जी को देख लेता है। वाह, मुझे एक और इंसान का खून पीने का मौका मिलेगा। खूनी पिशाच मिश्रा जी का पीछा करने लगता है। अपने पीछे खूनी पिशाच को देखकर मिश्रा जी पूरी तरीके से डर जाता है। खूनी पिशाच मेरा पीछा कर रहा है, मुझे जल्दी से गुप्ता जी के पास जाना होगा, नहीं तो आज मैं खूनी पिशाच का भोजन बन जाऊंगा। मिश्रा जी जल्दी से गुप्ता जी के घर पहुंच जाता है। गुप्ता जी, मेरे पीछे खूनी पिशाच है, मुझे बचा लीजिए। वाह मिश्रा जी, आपने मेरा काम तो आसान कर दिया। क्या, मैंने कौन सा काम कर दिया? आपने खूनी पिशाच का ध्यान अपनी ओर खींचा है और आज रात तक उसका ध्यान अपनी ओर ही रखना है। कहीं ये बाबा ने तो नहीं कहा गुप्ता जी? हाँ मिश्रा जी, गुप्ता जी और मिश्रा जी देखता है कि खूनी पिशाच अभी तक नहीं आया है। मिश्रा जी, मुझे लगता है कि वह तुम्हारा पीछा करते करते यहाँ तक नहीं आ पाया है, आइए उसे खोजते हैं। और इधर बाबा अपना तप आरंभ करते हैं। गुप्ता जी, अभी तक तो खूनी पिशाच नहीं दिख रहा है और मुझे डर भी बहुत लग रहा है। डर तो मुझे भी लग रहा है मिश्रा जी, लेकिन हमें खूनी पिशाच को शहर से दूर जंगल ले जाना होगा। बचाओ, कोई हमारी जान बचाओ। गुप्ता जी और मिश्रा जी यह सब अपनी आंखों से देखता है और डर जाता है। खूनी पिशाच गुप्ता जी और मिश्रा जी को देख लेता है और दोनों को मारने के लिए जाने लगता है। गुप्ता जी, वो खूनी पिशाच हमारी तरफ ही आ रहा है, जल्दी से भागिए। गुप्ता जी और मिश्रा जी जल्दी से वहाँ से भागता है और खूनी पिशाच उसका पीछा करता है। गुप्ता जी, अब हम दोनों भी मारे जाएंगे। ऐसा नहीं होगा मिश्रा जी, आइए वहाँ छिपते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी एक मकान के पीछे छिप जाता है। गुप्ता जी, खूनी पिशाच तो कहीं दिख नहीं रहा है। मुझे भी नहीं दिख रहा है मिश्रा जी। किसे ढूंढ रहे हो तुम दोनों? अरे दिखता नहीं, हम दोनों खूनी पिशाच को ढूंढ रहे हैं। ओ अच्छा, वो आएगा तो मुझे भी बताना। खूनी पिशाच तो हमारे पीछे है गुप्ता जी। खूनी पिशाच भैया, मुझे जाने दीजिए, हमने क्या बिगाड़ा है आपका, आप पानी पी लीजिए। मुझे तुम्हारा स्वादिष्ट खून चाहिए। तो दोस्तों, अब गुप्ता जी आगे क्या करेगा, ये सब देखने के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट्स करें।